आज हम लेकर आए हैं ग्रेटेड मैंगो पिकल। ग्रेट किए हुए आम का अचार, आप इसे रख के सालों तक ऐसे खा सकते हैं कि बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कच्चे आम लेंगे, इनको धो के सुखा के और फिर छिलके छील के अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने के बाद अब इसे हाथों से ऐसे निचोड़ लेंगे ताकि इसमें जो वाटर है उसको निकाल लेंगे। वाटर निकालने से अचार खट्टा नहीं लगता है, बहुत ही बढ़िया बनता है और इसे बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। ये देखिए, हमने इसके वाटर को निकाल लिया। अब इसे एक प्लेट पे ऐसे फैला लेंगे। ऐसे ही सारे आम को ऐसे निचोड़ के प्लेट पे फैलाते जाएंगे। हमने इसे दो बर्तन में ऐसे फैलाया है। फैलाने के बाद हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख देंगे। 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। और एक फ्राइंग पैन में हम लगभग 1 कप ऑयल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म करके एक बोल में निकाल लेंगे और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। अब एक कढ़ाई या फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें हम 3 टेबल स्पून सौंफ, 3 टेबल स्पून जीरा। सौंफ और जीरा हम थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं और इसमें थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करेंगे। मेथी हम बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। और लगभग 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून नाइजेला सीड्स जिसे हम कलौंजी बोलते हैं। अब इसे फ्लेम पे रख देंगे, 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर देंगे जब तक ये हल्का चटकने ना लगे। ये देखिए, अब हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरह से भून लिया। हमें इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना है, बस मसाले चटकना स्टार्ट हो जाए उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे एक मिक्सचर जार में ऐड कर देंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटा भी नहीं पीसेंगे। ये देखिए, जैसा हमने पीसा है बिल्कुल दरदरा। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले की अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। सेम मिक्सचर जार में अब हम सरसों दाना ऐड करेंगे, आप राई दाना भी ले सकते हैं। इसे हम बिल्कुल दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको ऐसा पीस लिया। हमने इसको थोड़ा सा ज़्यादा पीसा है ताकि जब ये बच जाए तो इससे दूसरी रेसिपीज भी बना लें। इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे और सेम मिक्सचर जार में लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। 3 से 4 लहसुन को हल्का सा पीस लेंगे। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया। आप चाहें तो इसको मॉर्टल पेस्टल में भी पीस सकते हैं। और इधर हमारा आम 1 से 2 घंटे में अच्छी तरह से सूख गया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है। अब हम ग्रेट किए हुए आम को एक बड़े बोल में ऐड करेंगे। हमने आम को बिना छिलके के ग्रेट किया है। आप चाहें तो इसको छिलके के साथ भी ग्रेट कर सकते हैं, इससे अचार और भी बढ़िया लगेगा। एक बार इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हम कच्ची हल्दी ही ऐड करेंगे, भूनेंगे नहीं। लगभग 1 टेबल स्पून और इसमें लगभग 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। और हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इसे भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसमें जो हमने मसाले पीसे थे भून के, उसको ऐड कर देंगे। मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और लगभग 2 से 3 टेबल स्पून पीसी हुई सरसों ऐड करेंगे। सरसों के प्लेस पे आप रायदाना भी पीस के ऐड कर सकते हैं, इससे इसका अचार बहुत ही अच्छा लगता है। हम राई को ऐसे भून के इसमें ऐड कर देंगे, इससे अचार का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और ये हमने सौंफ और कलौंजी को भी भून के इसमें ऐड कर दिया। भून के खड़े मसाले ऐड करने से अचार बहुत बढ़िया लगता है। अब हम पीसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे। अभी इसमें बहुत ज़्यादा तेल नहीं ऐड करेंगे, हम लगभग 1/2 कप तेल ऐड करेंगे। तेल ऐड करने के बाद अब हमें इसे मिक्स करना है। आप इसे हाथों की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, अभी इसमें हमने कम नमक ऐड किया है। आप चाहें तो बाद में और नमक भी ऐड करके मिक्स कर सकती हैं। जितना नमक रहेगा ज़्यादा तो अचार ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भी ना ऐड करें और बहुत कम भी ना ऐड करें। इसको बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक पूरे मसाले आम पे बिल्कुल अच्छी तरह से ना मिक्स हो जाए, आम का कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। ये देखिए, अब हमने इसको बढ़िया से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हम इसे पूरा 1 दिन तक धूप में रख देंगे और बीच बीच में हम इसको चलाते भी रहेंगे ताकि अचार पूरे तरह से अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी। देखिए, लगभग 1 दिन के बाद अचार कुछ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल गल जाएगा।
अब इसे एक ग्लास जार में रखेंगे। ग्लास जार को वॉश करके एक सूखे कपड़े से पोंछ के बिल्कुल अच्छी तरह से धूप में सुखा के ही अचार को ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऑयल ऐड कर देंगे हल्का सा और अचार को पूरा भर देंगे। बीच बीच में हल्का हल्का ऑयल ऐड करते रहें ताकि ये पूरे अचार में बिल्कुल अच्छी तरह से ऐसे फैल जाए। एक साथ आप चाहें तो बोल में भी ऐड करके डायरेक्टली आप कंटेनर में ऐड कर सकते हैं। हम अचार को ग्लास कंटेनर में ही रखेंगे, प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रखेंगे। ग्लास कंटेनर में रखने से अचार सालों तक खराब नहीं होगा। एक बार ऐसे स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे और लगभग 4 से 5 दिन के लिए धूप में रख देंगे और रात के टाइम हटा लेंगे। ये देखिए हमारा अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। इस अचार को आप चटनी की तरह भी सर्व कर सकते हो, पकौड़े सैंडविच के साथ। आप इस अचार को जरूर ट्राई करें। हमारा ग्रेट किया हुआ आम का अचार बनकर तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें। हमने और भी टाइप्स के मैंगो के अचार की रेसिपी चैनल पर शेयर की हुई है, आप उन्हें भी ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।